हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज की शुरुआत करते हैं हम सुबह 5:30 बजे से। बज चुके हैं 5:30 और सुबह का नज़ारा आम के पेड़ों के साथ में, काफ़ी सुंदर सुंदर आम के पेड़ हैं। बहुत आम हो रहे हैं। उठ चुके हैं, मम्मी और प्रीसू सोए पड़े हैं। अभी मैंने बोला पापा से कि मैं चाय बना देती हूँ, तो सोचा पहले ना वीडियो बना लूँ, आपको लोकेशन दिखाती हूँ मम्मी के घर से। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। सामने ताऊ जी के पेड़ में बहुत आम लगे हुए हैं। अभी तो काफ़ी ठंडा हो रहा है, लेकिन दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होने लग जा रही है। बहुत अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है, लेकिन दिन में इतनी गर्मी हो रही है कि क्या। मैंने दे दिया है मम्मी पापा को पानी, गुनगुना पानी तुलसी के साथ में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, तुलसी आपको दिखाती हूँ। आप लोग भी रोज मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ तुलसी ले सकते हैं, जिससे कि एसिडिटी की परेशानी कम होती है। मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी। यह तुलसी, जिसे एक गिलास पानी में एक दो ड्रॉप डालेंगे, पूरे दिन भर गैस्ट्रिक से आराम, सब चीज़ से आराम मिलेगा आपको। इसमें बहुत कुछ है, आयुर्वेदिक है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं कि आप खरीद ना सको। अभी मैं बना रही हूँ चाय। मैंने बोला पापा से कि मैं ही बना लेती हूँ चाय, आप तब तक योगा कर लो। उबल चुकी है चाय यहाँ पे, बस इसमें दूध डालने की कमी है। अभी मैं इसमें दूध डालूँगी। उबल रही है चाय। मुझे चाय उतनी अच्छी तो नहीं बनानी आती है, लेकिन बना लेती हूँ। चाय रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं प्रीशु के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर रोज मम्मी से दूध पिलाती हैं, तो थोड़ा मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी, प्रीशु दूध भी पी लेगी और थोड़ा देर तक सोएगी। चुका है सब कुछ रेडी, चाय हमारी और प्रीशु का दूध। मैं जा रही हूँ सबको चाय देने। तो ये अभी प्रीशु, मम्मी अभी प्रीशु को दूध पिलाएगी। ऐसे सोती है, प्रीशु का स्टाइल कुछ ऐसा है सोने का। दूध आ गया है, चाय आ गई है, बस प्रीशु को दूध पिलाने की बारी है। आज प्रीशु मॉर्निंग में 4 बजे उठ गई थी। फिर मैंने बोला कि अभी तो बहुत टाइम है, सो जाओ थोड़ा देर। प्रीशु और मैंने बातचीत करी, फिर उसके बाद प्रीशु और सो गई। अभी तक सोई पड़ी है, मम्मी से दूध पिलाएगी, फिर उसके बाद मैं प्रीशु सोती है 8:30 बजे तक। कभी 8 बजे भी उठ जाती है, लेकिन 8:30 के बाद ही उठती है। तब तक मम्मी का आधा काम हो चुका होता है, इसलिए मम्मी उसको इस टाइम पे दूध पिला देती है। फाइनली प्रीशु उठ चुकी है मेरी। अभी हम दोनों की जन्मई हैं। प्रीशु खा रही है लीची भेज रखी इसकी ताई ने, कल ताई ताऊ ने। तो आप देख सकते हैं ताई ने इतनी सारी लीची भेजी है, वो भी प्रीशु के लिए, नानू नानी के लिए। बार बार प्रीशु को लीची ही आई खानी है। प्रीशु चली गई नानी के पास, तो मैंने सोचा मैं ही रोटी बना देती हूँ अभी। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। मम्मी तो रोज ही बनाती, तो आज मैं बना लूँ, मैं खिला दूँ अपने हाथ से। और अब मैं और प्रीशु तैयार हो चुके हैं। प्रीशु का पढ़ाई का टाइम हो रहा है। बोलो बोलो, मेरे पढ़ाई का टाइम हो रहा है। मेरा पढ़ाई का टाइम प्यार हो रहा है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे, पहले आप क्या पढ़ोगे? कलर वाला नहीं, पहले प्रीशु पढ़ेगी ए फॉर एप्पल, और से अनार, और क से कबूतर, और संडे मंडे सुनाओ एक बार। संडे संडे मंडे, उधर देखो
ट्यूजडे वनडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे। वेरी गुड। आपकी आईज किधर है प्रीशु? नोज, लिप, टंग, टीथ, हाथ लगाओ, ईयर, ईयर ईयर, हाँ उधर चिक, ये है चिन, चिक, चिन, फिंगर, फिंगर का है फूट, खड़े होके दिखाओ फूट, फूट दिखाओ, फूट दिखाओ अपना, फूट दिखाओ, फूट का है, हाँ बैठो, हैंड, वेरी गुड मम्मा। मैं इसी तरीके से मैं प्रीशु को पढ़ाई कराती हूँ क्योंकि अभी से पढ़ेगी तो आगे जाके सही रहेगा, अगर अभी से पढ़ाई गोल जाएगी तो फिर पढ़ नहीं पाएगी प्रीशु। पहले प्रीशु शैतानी बहुत करती है, लेकिन पढ़ने को रोती है, लेकिन क्या बच्चे तो रोते ही हैं तो पढ़ना तो हुआ ही, आज पढ़ेगी इस वजह बाद में इतना वो नहीं होएगा, परेशानी नहीं होएगी पढ़ाने में। चलो मैं थोड़ी देर में बात करूँगी क्योंकि मुझे अभी प्रीशु को पढ़ाना भी है। बाय बाय बोलो। कर रही हूँ पॉपकॉर्न खाती। क्या खा रहे हो? खीरा। किसने दिया? नानी ने। आपको खीरा पसंद है? कितना? डैडी कहाँ हैं आपके आज? ड्यूटी। ड्यूटी कहाँ? मम्मा। हाँ मैं तो मम्मा हूँ, डैडी कहाँ है ड्यूटी में? डैडी क्या जॉब करते हैं आपके? मम्मा जॉब। डैडी क्या काम करते हैं प्रीशु? आर्मी में। प्रीशु को करा दी है पढ़ाई मेरी मम्मी ने, छोली और चावल बना दिए हैं। हमारे कुमाऊनी में झूली भात कहते हैं, वैसे तो आप कड़ी चावल कहने लग गए हैं। खाना बनने में भी टाइम है तो मैंने सोचा आड़ू काट लेते हैं, आजकल आड़ू कुमाने के सीजन है तो आड़ू आए हैं पहाड़ से, मेरी ननद ने आड़ू भेजे हुए हैं पहाड़ से, शायद आपके वहाँ भी आड़ू वाड़ू होते होंगे। जो कुमाऊनी है, कुमाऊनियों को तो पता होता है आड़ू क्या है, प्लेन साइड के लोगों को ज़्यादा नहीं पता रहता है आड़ू वगैरह का। आड़ू कुमाऊनी फूलन काफल, काफल के भी आजकल सीजन है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये है आड़ू, इसमें बाल टाइप के होते हैं जो मुंह में चुभते हैं, वैसे तो इनको ऐसे भी खा लेते हैं लेकिन अगर छील के खाएं तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बन रही है झोली, निकल चुकी है सीटी चावल में, चावल पक चुका है, चावल बंद कर दिया है। हाँ सलाद में मैंने खीरा प्याज काट दिया है, अभी मैं पहले मम्मी लोगों को आड़ू दे आती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ। आड़ू के साथ में नमक और चाट मसाला डाल के खाओ तो इतना बढ़िया होता है कि पूछो मत। अब खाते हैं हम आड़ू, जो अगर किसी को खाने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनके लिए आड़ू भेजूंगी। डाल दिया खाना सबके लिए, डाल दिया मम्मी खाना, अभी गुस्सा भी आ ही रहा होगा मम्मी को कि अपना वीडियो बना रही है और मैं खाना लगा रही हूँ करके, लेकिन अब मम्मी के हाथ का ही पसंद होता है सबको खाना। अब बंद कर दिया थाली, ढक्कन लगा दिया है, अब ले जा रही है मम्मी अंदर को, मैं भी लेके जाती हूँ प्रीशु के लिए, मैं अपने लिए फिर बाद में ले जाऊँगी। प्रीशु प्रीशु मत कर, तेरी अड्डियाँ। हेलो दोस्तों, हमारा हो गया है लंच, अब हम थोड़ा देर सोएंगे फिर उसके बाद हम आप सबको शाम के टाइम मिलेंगे।
ये प्रिशु है मेरी बेटी, बहुत शैतान है। बाय बोलो, से बाय बाय। गए हैं, ये प्रिशु के बचपन का सीपर है जो प्रिशु को पता नहीं कहाँ मिल गया। तो मैं प्रिशु मम्मा, मम्मा ये बचपन का सीपर है क्या है प्रिशु? क्या है ये बचपन का सीपर? मैं पानी डालना था। बहुत गर्मी है आज भी, हम तो घर में हैं तो इतनी गर्मी लग रही है। जो बेचारे मजदूर वगैरह बाहर काम कर रहे हैं उन बेचारों का क्या हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी कब तक रहेगी, कैसे रहेगी? घर के बाहर कोई भी नहीं निकला है, कैसे कम होगी ये गर्मी? गर्मी का कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम इतनी गर्मी हो रही होगी। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ गर्मी का, एकदम सन्नाटा। मैं बाहर बैठी हूँ मम्मा लोग के आगे, क्योंकि अंदर काफ़ी गर्मी है। आप देख सकते हैं अभी हो गया है टाइम 5:30 और कितनी तेज़ गर्मी है, अभी भी बहुत तेज गर्मी है। पत्ते हिलने का नाम नहीं ले रहे, इतनी लू हो रही है। हेलो गाइस, मेरी मम्मा का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे भी मम्मा ये कहाँ से लिया था मैंने? मैं लेके आई थी अपने बच्चे के लिए जब बचपन में छोटा था बच्चा। इधर देखो, मम्मा को देखो एक बार, पैर नीचे करके देखो ना। चूहा, मम्मा का चूहा रहता है नानी नानू के पास। आप सबको दिखाती हूँ प्रिशु की शैतानी। प्रिशु चुपचाप से मिट्टी में कैसे खेल रही है, क्योंकि प्रिशु को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। फिर क्या चल रहा बेटा? प्रिशु रिजल्ट भी आ जाती है उसमें से। हाँ देखो इधर, मम्मा को देखो, रिजल्ट भी आ जाती है उससे। रिजल्ट जीभ कैसे निकालती है, टंग कैसे निकालती? कैसे निकालती है टंग बाहर? वही हाथ तक चेगा नहीं हाथ दब जाएगा बेटा। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। मम्मी जा रही है घूमने के लिए और प्रिशु कह रही है कि मुझे भी नानी के साथ घूमने जाना है, लेकिन मम्मी तो बहुत दूर जाती है, इस वजह से मम्मी प्रिशु को नहीं लेके जाएगी। और वहाँ से आगे नानी पापा प्रिशु के, नानू आगे चलो ऑटो गेट खोलने। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है प्रिशु? बाय कर दो नानी से, बाय करो। आओ मम्मा आएगी तुम्हारे साथ। हाँ जाओ जाओ मम्मा, मम्मा के साथ अच्छा नहीं लगता आपको? आपको मम्मा के साथ अच्छा नहीं लगता है? जाओ जाओ। हाँ खेलो, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हुए हैं और प्रिशु जिद कर रही है नानी के साथ जाने। क्या हुआ नानी? इसके लिए चिज्जी लाना। अरे नानी कहाँ गई प्रिशु? नानी तो गायब ही हो गई, नानी पता नहीं कहाँ चलेगी। और प्रिशु कह रही है मुझे नानी प्रिशु के साथ ऐसे घूमना पड़ रहा है, क्योंकि प्रिशु परेशान करती है रोने में। नानी लोग काफ़ी आगे चले गए हैं तो प्रिशु को भी नानी के साथ जाना है। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं,
यहाँ को है पता नहीं हुआ है इवनिंग वॉक के लिए। देखो मम्मा मेरे साथ रहना खुला रहेगा। इधर देखो मम्मा को, हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के पास। नानी तो चले गई, प्रीशु के जद के वजह से मुझे प्रीशु के साथ यहाँ आना पड़ा। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके। देखो पीछे को, देखो एक बार तुम नीचे पीछे को तो देखो। प्रीशु वहाँ देखो कैसे आ रहा हो। हमारे साथ और प्रीशु को भी डर लग रहा है, मम्मा को भी डर लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं प्रीशु की स्लीपर छूट गई। प्रीशु भागो।